Welcome back, students. So we've discussed in our previous class about the offer, the different kinds of offer like general offer, specific offer, cross offer, counter offer, standing offer. Then we've discussed then what are the essentials of the valid offer. Okay, so we left our previous class with 9 points covered about the essentials of the valid offer. And just back we discussed that the offer may be an express offer or implied offer. Okay, let us just quickly review of what is express and implied offer, and then we'll start with our 10th point, that is a statement of price is not an offer. Okay, see, it says that an offer may be an express or an implied offer whenever an offer is made by clear words or by conduct. Whenever it is made by words, it is an express offer, and when it is implied by the conduct, it is known as an implied offer. ठीक है, जैसे हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था कि अगर आप ट्रैफिक लाइट में खड़े हैं और कोई बॉय आपकी कार को क्लीन करने आ जाता है, तो दैट मीन्स दैट इज इम्प्लाइड कि वो आपकी कार इसीलिए साफ कर रहा है ताकि उसके बदले में आप क्या करें, उसे कुछ कैश प्राइज ऑफर करें, कुछ कैश दें उसको, कुछ उसके बदले में उसको हेल्प करें, कुछ रिवॉर्ड दें इस चीज के लिए. ठीक है, तो यहाँ पे आपके और उस बॉय के बीच में पहले से कोई कॉन्ट्रैक्ट तो था नहीं ना, आपने उसे कहा था कि आप प्लीज़ मेरी कार साफ करिए, खुद वो अपने कंडक्ट से वो विजिबल करा रहा है कि एक्चुअली वो आपसे कुछ ना कुछ एक्सपेक्ट कर रहा है. ही वॉन्ट्स कि आप उसके बदले में कुछ उसको ऑफर करें. ठीक है, तो दैट मीन्स एनी ऑफर दैट इज इम्प्लाइड बाई वर्ड्स इज एन एक्सप्रेस ऑफर, एंड ऑफर दैट इज इम्प्लाइड बाई कंडक्ट इज एन इम्प्लाइड ऑफर. ओके, so now we'll start with another topic, that is a statement of price is not an offer. अभी कोई price की quotation, जैसे हम लोगों ने discuss किया था previous class में कि हम कोई hotel या कोई restaurant में जाते हैं तो वहाँ पर हमको menu card मिलता है और उस menu card में जो होता है different dishes के price mention होते हैं, तो वो एक offer नहीं है. वो क्या है? Menu card. Menu card क्या है? सिर्फ एक invitation to the offer. यहाँ पे जो menu card है वो एक invitation to the offer है. वो क्या है यहाँ पर? इन्विटेशन टू ऑफर, कि आप वो पर्टिकुलर चीज़ जो है देखिए और उसके बदले में आप डिसाइड करिए कि आप हमसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं या आप उस चीज़ में से हमें क्या ऑफर करना चाहते हैं. ठीक है, क्लियर है? तो ये जो मेन्यू कार्ड है यहाँ पे, दैट इज सिंपली एन इन्विटेशन टू द ऑफर. ठीक है, या हम इसको किस नाम से जान सकते हैं? स्टेटमेंट ऑफ प्राइस इज नॉट एन ऑफर. ठीक है, लेट्स सी. कह रहे ऑफर शुड बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम एन इन्विटेशन टू द ऑफर. ठीक है, एंड ऑफर हमेशा क्या होता है? एक डेफिनेट होता है और उसमें एक इंटेंशन होती है कि हम सामने वाली पार्टी को ऑफर देकर उससे एक्सेप्टेंस लेकर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करें. ठीक है, वेयर एज एन इन्विटेशन टू द ऑफर क्या है? सिर्फ एक सर्कुलेशन है कि हाँ ये चीज़ आपको दी गई है, आपका मन करे तो आप ऑफर करें, आपका मन ना करे तो आप ऑफर मत करिए. दैट इज सिंपली एन इन्विटेशन दैट इज गिवन टू यू कि उसके बेसिस पे आप क्या कर सकते हैं? ऑफर कर सकते हैं. ठीक है, तो इट इज़ एन अटेम्प्ट. बेसिकली क्या है? ये एक अटेम्प्ट है कि आप इंड्यूस कर सके सामने वाले को कि आप ऑफर दीजिए, एक डेफिनेट ऑफर क्रिएट करिए, आप एक एक्सेप्टेंस लीजिए और एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करिए बिटवीन द टू पार्टीज. क्लियर है ये चीज? तो ये पॉइंट भी हमें क्लियर हो गया कि जब हम कोई प्राइस कोट करते हैं या कोई प्राइस लिस्ट अगर हम मेंशन करते हैं, कोई कैटलॉग है, कोई जैसे कैटलॉग्स हैं या कोई मेन्यू कार्ड्स हैं, तो वो सिर्फ एक प्राइस स्टेटमेंट है. वो क्या है? सिर्फ एक प्राइस स्टेटमेंट है. वो एक इन्विटेशन है कि उनको देख कर आप क्या करिए? ऑफर करिए. दैट इज नॉट एन ऑफर गिवन बाय फर्स्ट पार्टी टू द अनदर पार्टी. दैट इज सिंपली एन इन्विटेशन टू द ऑफर दैट इज गिवन टू यू. ओके, क्लियर है ये चीज़? अब इन्होंने फिर से ये सेम चीज़ रिपीट कर दिया, डिफरेंस बिटवीन ऑफर एंड इनविटेशन टू द ऑफर, एंड आई होप हमें इसको और फर्दर डिस्कस करने की रिक्वायरमेंट नहीं है. हम इस चीज़ को अच्छे से समझ चुके हैं कि एक्चुअली में ऑफर और इनविटेशन टू एन ऑफर क्या होता है. ठीक है, क्लियर है? यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसका लास्ट पैराग्राफ एक बार ही रिव्यू कर लेते हैं. ठीक है, कह रहे इफ अ पर्सन हु मेक्स द स्टेटमेंट हैज द इंटेंशन टू बी बाउंड बाई इट एज सून एज द अदर एक्सेप्ट इट. मतलब मैंने कोई स्टेटमेंट दी है और मुझे पता है कि मेरे स्टेटमेंट देने से सामने वाला पर्सन जब उसे एक्सेप्ट कर लेगा तो हम दोनों पार्टीज क्या हो जाएंगे? बाइंड हो जाएंगे बाय द ऑफर. ही इज मेकिंग एन ऑफर. तो उस केस में वो क्या कर रहा है? एक्चुअली ऑफर कर रहा है क्योंकि उसे पता है कि जो मैं स्टेटमेंट दूंगी और मेरे स्टेटमेंट पे अगर कोई दूसरा बंदा रिलाई करके उसको एक्सेप्ट करेगा तो वो एक ऑफर बन जाएगा हमारे बीच में. ऑफर एंड एक्सेप्टेंस है, वो प्रॉमिस बन जाएगा. ठीक है, दस द इंटेंशन, क्योंकि मेरा इंटेंशन था टू बी एक्चुअली बाउंड. ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है ध्यान में रखने का कि वो ऑफर है या वो इन्विटेशन टू द ऑफर है.
ठीक है, अगर ऑफर है डेफिनेटली जहाँ पे इंटेंशन ऑफ इन्वॉल्व है, इनविटेशन टू द ऑफर में अभी इंटेंशन नहीं आई है क्योंकि ऑफर नहीं है, वो सिर्फ एक इनविटेशन है जिसके बेसिस पे दूसरी पार्टी क्या करेगी, ऑफर करेगी, अपना इंटेंशन जो है वो सामने वाले को बताएगी कि हाँ वो पर्टिकुलर चीज़ जो है वो उनसे एक्सपेक्ट कर रही है। ठीक है, क्लियर है ये चीज़। तो यहाँ पे कुछ इंस्टेंसेस दिए हुए हैं ऑफ इन्विटेशन टू द ऑफर टू बाय और सेल। ठीक है, सबसे पहली बात इन्होंने क्या बोला, एन इन्विटेशन बाय द कंपनी टू द पब्लिक टू सब्सक्राइब द शेयर्स। जैसे अगर आपने नाम सुना होगा प्रॉस्पेक्टस का, ठीक है, जब हम लोग बचपन में थे, स्कूल में जाते थे, तो जिस भी स्कूल में हमें एडमिशन लेना होता था तो हमारे पेरेंट्स हम लोग के लिए क्या करते थे, प्रॉस्पेक्टस लेकर आते थे। उस प्रॉस्पेक्टस के बेसिस पर हम लोग डिसाइड करते थे कि ये पर्टिकुलर स्कूल अच्छा है कि नहीं, इसकी मैनेजमेंट कैसी है, कैसी यहाँ एक्टिविटीज़ परफॉर्म होती है, कैसे इनका स्टाफ है, व्हाट उनके फ़ी स्ट्रक्चर्स हैं, कैसे वहाँ को करिकुलम एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाती हैं, ये सब चीज़ें मेंशन थी। तो वैसे ही जब भी कोई कंपनी अपने शेयर्स मार्केट में ऑफ़र करना चाहती है टू द जनरल पब्लिक, तो जो वो ऑफ़र करती है, जिस डॉक्यूमेंट के थ्रू वो ऑफ़र करती है, उसको हम प्रॉस्पेक्टस बोलते हैं। ठीक है, उस प्रॉस्पेक्टस में हर चीज़ मेंशन होती है, कंपनी किस साल बनी है, उसके फाउंडिंग मेंबर्स कौन हैं, कंपनी को संभाल कौन रहा है, कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स क्या हैं, कंपनी किस एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, कहाँ कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस है, क्या कंपनी आगे बिजनेस करना चाहती है, क्यों वो आपसे शेयर्स लेना क्यों वो चाहती है आपको शेयर्स ऑफर करना, क्यों वो आपसे फर्दर कैपिटल इन्वाइट करिए, ईच एंड एवरी थिंग इज मेंशनड इन द प्रॉस्पेक्टस। ठीक है, अब यहाँ पे अगर कोई कंपनी आपको प्रोस्पेक्टस दे रही है कि इसको देख के आप उसकी कंपनी के शेयर्स खरीदिए, दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ एन ऑफर एक्चुअली, दैट इज़ अ कंपनी मेकिंग, नो, दैट इज़ एन इनविटेशन टू द ऑफर, कि उस प्रोस्पेक्टस को देखकर आप डिसाइड करिए कि आप हमारी कंपनी के कितने शेयर्स खरीदना चाहते हैं, आप हमारी कंपनी में कितना इंटरेस्ट होल्ड करना चाहते हैं, कितना स्टेक लेना चाहते हैं, इन सब चीज़ों के बेसिस पे आप डिसाइड करिए कि आप मेरी कंपनी के कितने शेयर लेंगे। सो प्रोस्पेक्टस विच इज इश्यूड बाय द कंपनी इज नॉट एन ऑफर, इट इज़ एन इनविटेशन टू द ऑफर, जिसके बेसिस पे पब्लिक वुड ऑफर द कंपनी कि हम आपके इतने शेयर्स लेना चाहते हैं। नाउ इट इज़ अप टू द कंपनी कि वो उसके शेयर्स उतने एक्सेप्ट करेगी, उतनी कैपिटल एक्सेप्ट करेगी कि नहीं। क्योंकि कभी कभी होता क्या है, कंपनी ने कहा कि मैं 1,00,000 शेयर्स मार्केट में देना चाहती हूँ। अब कंपनी की ब्रांड इतनी अच्छी थी, कंपनी की मार्केट वैल्यू इतनी अच्छी थी कि 1,00,000 से ज़्यादा लोगों ने उस कंपनी के शेयर्स लेने के लिए तैयार हो गए। अब कंपनी हर किसी को तो शेयर ऑफर नहीं कर सकती क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट तो सिर्फ 1,00,000 शेयर्स की है, वो तो सिर्फ उतना ही ऑफर कर सकती है। तो नाउ इट इज़ अप टू द कंपनी कि वो आपके गिवन ऑफर को एक्सेप्ट करती है या नहीं। ठीक है, वॉट एवर द कंपनी हैज़ गिवन यू, दैट वॉज एन इन्विटेशन टू द ऑफर। वॉट एवर यू मेड टू द कंपनी वॉज एन ऑफर। वॉट एवर द कंपनी विल मेक इट टू यू इज अ एक्सेप्टेंस। ठीक है, लेट अस सी हियर, ये हमारे पास एक कंपनी है। ठीक है, इस कंपनी का नाम हम ABC रखते हैं। ठीक है, मिस्टर एक्स हैं। ठीक है, यहाँ ABC wants public to subscribe the shares of its company। ठीक है, wants the company to take its share। ABC ने क्या किया, प्रोस्पेक्टस रिलीज किया और इस प्रोस्पेक्टस को देखकर मिस्टर एक्स जो हैं बहुत इन्फ्लुएंस्ड हो गए कंपनी से। ये जो प्रोस्पेक्टस कंपनी ने इशू किया, दैट इज़ नोन एज इन्विटेशन टू द ऑफर। इसको हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे, इन्विटेशन टू ऑफर। वट एवर मिस्टर एक्स इज गिविंग टू द कंपनी, लाइक कंपनी ने प्रोस्पेक्टस के थ्रू कहा कि मैं 1,00,000 शेयर मार्केट से लेना चाहती हूँ, आई वॉन्ट 1,00,000 लोग मेरी कंपनी के शेयर्स लें। इस केस में 1,00,000 में से मिस्टर एक्स वॉज सो मच इन्फ्लुएंस, उसने कहा मैं 50,000 शेयर्स आपकी कंपनी के लेना चाहता हूँ। तो वट एवर मिस्टर एक्स इज गिविंग टू ABC इज एन ऑफर, ये क्या है, मेरा ऑफर। ठीक है, एंड ABC इसके बदले में इसको अगर इतने ही शेयर दे देगी, दैट इज़ नोन एज एक्सेप्टेंस टू ऑफर। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सेप्टेंस टू ऑफर। आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीबडी कि यहाँ पे जो प्रोस्पेक्टस है वो इन्विटेशन टू द ऑफर है, जो मिस्टर एक्स ने ABC को दिया वो ऑफर है, एंड जो कंपनी एक्स को देगी वो क्या है, एक्सेप्टेंस टू द ऑफर। ठीक है, वैसे ही जब गुड्स डिस्प्ले होते हैं शॉप में, ठीक है, कोई अगर डमी लगा होता है शॉप के बाहर, तो वो जो डमी है वो इनविटेशन है, वो क्या है, एक इनविटेशन है, इनवाइट हो रहा है पब्लिक को, आइए आप हमारी दुकान में आइए,
आप हमें ऑफ़र करिए कि आप हमारे यहाँ की क्या चीज़ जो है वो ख़रीदना चाहते हैं। जब कोई पर्सन, ठीक है, पर्सन मतलब यहाँ पे अगर कोई कस्टमर किसी शॉप में जाता है, शॉपकीपर को बोलता है कि मुझे आपकी ये चीज़ पसंद आई है या ये कंटेंट या ये मटेरियल है जो मैं आपकी शॉप से लेना चाहता हूँ, तो जहाँ मिस्टर का जो कस्टमर है वो क्या कर रहा है, ऑफ़र दे रहा है। और अगर शॉपकीपर भी कस्टमर के दिए हुए ऑफ़र से अग्रीड है तो वो क्या कर देगा, अपनी एक्सेप्टेंस दे देगा। वो क्या करेगा, अपनी एक्सेप्टेंस दे देगा। आई होप इट इज़ क्लियर। तो प्रोस्पेक्टस इज़ एन इन्विटेशन टू द ऑफ़र। फिर ऑफ़र क्या है और एक्सेप्टेंस क्या है, ये हमने डिस्कस कर लिया। वैसे ही जब डिस्प्ले ऑफ गुड्स होते हैं विंडो शॉपिंग में, तो जो डमी है वो इन्विटेशन है, जो कस्टमर दे रहा है वो ऑफ़र है, जो शॉपकीपर देगा वो एक्सेप्टेंस है। वैसे ही जब हम एडवर्टाइज़ करते हैं ऑक्शन सेल को, ठीक है, ऑक्शन सेल का एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो जो ऑक्शनियर है, ठीक है, ऑक्शनियर जो है ये मिस्टर एक्स, ठीक है, एंड जो ऑक्शन है, ठीक है, तो जब ऑक्शन नोटिस आता है, ये ऑक्शन नोटिस क्या है, इनविटेशन। ये क्या है, इनविटेशन। जो मिस्टर एक्स ऑफर करेंगे वो क्या होगा, जो मिस्टर एक्स लेना चाहेंगे वो क्या होगा, ऑफर। एंड जो ऑक्शनियर उसके बदले में इनको देना चाहेंगे वो क्या हो जाएगा, एक्सेप्टेंस। आई होप इट इज क्लियर। तो ये हमारा ऑक्शन वाला पॉइंट भी हो गया। एंड देन कोटेशन ऑफ प्राइस सेंट इन रिप्लाई टू अ क्वेरी, ठीक है। जैसे अगर हम लोग कोई कोटेशन मांगते हैं ना कि मुझे आपकी ये पर्टिकुलर चीज़ अच्छी लग रही है, आप कोट करिए कि आप कितने प्राइस में मुझे वो चीज़ जो है वो ऑफर करने के लिए तैयार हो जाएंगे, तो उन्होंने सिर्फ एक रिप्लाई दिया है। जैसे अभी हमें पढ़ा था ना क्वेश्चन आंसर, कि आप अगर मैं उनसे पूछूं कि आप कोई चीज़ जो है आपको उसका लोएस्ट प्राइस क्या है, अगर उन्होंने कहा मेरा लोएस्ट प्राइस 500, दैट डज नॉट मीन्स कि वो 500 में आपको चीज़ वो प्रोवाइड कर रहे हैं। इफ़ यू वॉन्ट कि आप उनसे चीज़ खरीदना चाहते हैं, तो योर ऑफर शुड बी आई वॉन्ट टू बाय योर पर्टिकुलर थिंग एट ₹500। सामने वाले को एग्रीड होगा तो वो बोलेगा ओके आई एम विलिंग टू सेल यू फॉर 500, अगर नहीं होगा तो वो मना कर देगा, सिंपल एज दैट, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप सिर्फ उससे एक क्वेश्चन पूछ रहे हो, मियर द क्वेश्चन एंड द सामने वाला पर्सन का आंसर, तो वो ऑफर नहीं है, क्लियर है। तो वैसे जब हम कोटेशन मांगते हैं किसी से और कोटेशन के बदले में वो हमें प्राइस ऑफर करता है, दैट इज़ जस्ट एन इनविटेशन टू द ऑफर, कि उसके बेसिस पे आप डिसाइड करिए कि आप वो पर्टिकुलर चीज़ जो है वो कितने की लेना चाहते हैं। क्लियर हो गई ये चीज़, ओके, वेरी इजी, ठीक। आई होप इट इज़ वेरी मच क्लियर टू ऑल ऑफ यू, बिकॉज हमने ये चीज़ बहुत अच्छे से ऑफर के टर्म्स में डिस्कस कर लिया, ठीक है। अब कह रहे ऑफर कैन बी मेड बाय, अगर मैं सामने वाली पार्टी को ऑफर देना चाहती हूँ तो वो ऑफर किसी एक्ट के थ्रू भी हो सकता है, किसी एब्स्टिनेंस के बेसिस पे। एब्स्टिनेंस का मतलब क्या होता है, आई विल नॉट डू दैट थिंग। एब्स्टिनेंस मतलब नॉट टू डू पर्टिकुलर थिंग। एक्ट का मतलब टू डू और एब्स्टिनेंस का मतलब नॉट टू डू, क्लियर हो गया। तो अगर मुझे किसी पार्टी ने कहा हिमांशी यू शुड नॉट डू दैट पर्टिकुलर थिंग, एंड इफ आई से ओके इफ यू सेइंग आई विल नॉट डू दैट थिंग, दैट इज एन एब्स्टिनेंस, दैट इज ऑल्सो द एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑफर दैट वॉज मेड टू मी। पर्सन सेड हिमांशी यू शुड नॉट डू दैट थिंग, दैट वॉज द ऑफर, एंड आई सेड ओके आई वोंट डू दैट, दैट इज एक्सेप्टेंस। तो ऑफर मतलब टू डू एंड नॉट टू डू अ पर्टिकुलर थिंग, ठीक है। अब वो ऑफर जो है या जो एक्ट है वो वर्ड्स के थ्रू भी हो सकता है, कंडक्ट के थ्रू भी हो सकता है। अभी हमने पढ़ा कि अगर वो वर्ड्स के थ्रू होगा तो वो क्या हो जाएगा, एक्सप्रेस ऑफर, वो क्या हो जाएगा, एक्सप्रेस। अगर वो कंडक्ट के थ्रू हो रहा है तो वो क्या हो जाएगा, आपका इम्प्लाइड ऑफर हो जाएगा, ठीक है। अब एक्सप्रेस में भी रिटन या ओरल, अगर रिटन फॉर्म में है तो वो अच्छी बात है, रिटन अग्रीमेंट, रिटन ऑफर है। ओरल में क्या होता है, थोड़ी सी ऑथेंटिसिटी कम होती है, बिकॉज उसमें कोई प्रूफ नहीं होता, कोई वैलिड प्रूफ नहीं है कि सामने वाली पार्टी जो है वो एक्चुअली में उस चीज़ को एक्सेप्ट कर रही थी, या हो सकता है कल की डेट पे वो उस चीज़ को डिनाई भी कर दे कि नहीं मैंने तो ऐसा कहा ही नहीं था। तो इट इज़ बेटर कि जब भी आप कोई ऐसी चीज़ कर रहे हैं तो वो सब हमेशा क्या हो, आपके रिटन फॉर्म में ही हो, बिकॉज रिटन फॉर्म जो है वो ही आपको एक वैलिड प्रूफ प्रोवाइड करेगा एट अ लेटर स्टेज व्हेनेवर एन डिस्प्यूट राइजेस बिटवीन टू पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। अगर आपका चीज़ ओरल में है तो आई डोंट थिंक कि इतना कोई आपके पास एविडेंस या कोई प्रूफ रहता है उस चीज़ का, ठीक है, क्लियर है ये चीज़।
अच्छे से हमने ऑफर के बारे में पढ़ लिया है, कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं आनी चाहिए। अब ऑफर का जो सेकंड है, जिसको हम लोग कहते हैं ऑफर की जो फ्रेंड है, वो क्या है, हमारी एक्सेप्टेंस है, क्योंकि बिना एक्सेप्टेंस के तो ऑफर पूरा ही नहीं होता है। तो नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज अबाउट द एक्सेप्टेंस। जितनी चीज़ें हमने ऑफर के बारे में पढ़ी हैं, बिल्कुल उतनी ही चीज़ें हम लोग यहाँ पे एक्सेप्टेंस के बारे में भी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ऑफर का मतलब था आई एम आस्किंग सर्टेन पर्सन टू डू एन एक्ट और नॉट टू डू एन एक्ट। सिमिलरली एक्सेप्टेंस, तो व्हेन द पर्सन टू हुम द प्रपोजल इज मेड सिग्निफाइज इज असेंट, वो बोल देता है कि हाँ जो भी चीज़ आपने मुझे ऑफर करी है कि वो मैं चीज़ करने के लिए तैयार हूँ, तो प्रपोजल इज सेट टू बी एक्सेप्टेड। तो ये अज्यूम कर लिया जाता है कि वो प्रपोजल आपका क्या हो गया, एक्सेप्ट हो गया है। एंड जब प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता है तो वो प्रॉमिस बन जाता है। आई होप आप लोग कॉन्ट्रैक्ट भूले नहीं हैं, जो उसकी स्टार्टिंग था, जो रूट था, आप उसका भूले नहीं हैं। हमने पढ़ा था ना कि यहाँ पे शुरुआत किससे होती है, ऑफर से। ऑफर के साथ क्या आता है, एक्सेप्टेंस। ऑफर और एक्सेप्टेंस, प्रॉमिस, प्रॉमिस विच इज बैक्ड बाय कंसिडरेशन। जब प्रॉमिस और कंसिडरेशन होता है तो वो क्या बनता है, अग्रीमेंट। जब अग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ होती है तो वो दोनों चीज़ें मिलके क्या बन जाती हैं, कॉन्ट्रैक्ट। वेरी इजी, ठीक है। तो बस वहीं पे ही हैं हम लोग, ठीक है। तो एक्सेप्टेंस पे आ गए हम लोग। तो ये क्या बोला, कह रहे हैं कि जब भी प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता है तो वो क्या बन जाता है, प्रॉमिस बन जाता है। जब भी प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता है तो वो क्या बन जाता है, प्रॉमिस बन जाता है, ठीक है। उसी चीज़ के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। देखो इन्होंने कुछ नीचे एग्जाम्पल्स दिए हैं, आओ हम लोग भी इनके एग्जाम्पल्स को अच्छे से डिस्कस करते हैं। कह रहे व्हेन द पर्सन टू हुम द प्रपोजल इज मेड, फॉर एग्जाम्पल इफ़ ए ऑफर्स टू सेल इज कार टू बी फॉर 2 लाख रुपीज, हेयर द प्रपोजल इज मेड टू बी। यहाँ प्रपोजल किसको मिला है, बी को, क्योंकि उसने साफ साफ लिखा है ए ऑफर्स टू सेल हिज कार टू बी फॉर 2 लाख रुपीज। सर्टेन है, यहाँ पार्टी भी सर्टेन है, यहाँ अमाउंट भी सर्टेन है, और यहाँ ऑब्जेक्ट भी सर्टेन है, एवरीथिंग इज सर्टेन। क्या चीज़ आप देना चाहते हैं, किस पार्टी को देना चाहते हैं, कितने प्राइस पे देना चाहते हैं, हर चीज़ एकदम क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ दैट इज़ अ वैलिड ऑफर, यहाँ पे क्या है, वैलिड ऑफर है ये चीज़, ठीक है। तो हेयर द प्रपोजल इज मेड टू बी, ठीक। तो फिर इन्होंने बताया, कह रहे यहाँ पे प्रपोजल किसको मिला है, बी को मिला है, ठीक है। यहाँ प्रपोजल किसको मिला है, बी को। तो मिस्टर ए जो है वो यहाँ पर क्या है, ऑफरर है। यहाँ मिस्टर ए क्या है, ऑफरर है, या हम इनको प्रपोजर बी के नाम से भी जान सकते हैं। मिस्टर बी हमारे क्या हैं, ऑफरी हैं। यहाँ मिस्टर बी क्या हैं हमारे, ऑफरी। तो द पर्सन टू हुम द प्रपोजल इज मेड वो ऑफरी हैं। एंड अगर बी अपनी असेंट दे देते हैं इस प्रपोजल पे, अगर बी क्या करते हैं, अपनी असेंट इस प्रपोजल पे दे देते हैं, इन अदर वर्ड्स अगर बी ए के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर देते हैं, दैट मीन्स बी ने क्या कर दी, अपनी एक्सेप्टेंस दे दी टू द ऑफर दैट वॉज मेड बाय ए। बी ने क्या कर दी है, एक्सेप्टेंस दे दी है टू द ऑफर दैट वॉज मेड बाय ए। ओके, क्लियर। तो जब बी अपनी कंसेंट दे देगा टू द प्रपोजल, इट मीन्स द प्रपोजल हैज बीन एक्सेप्टेड। एंड जब प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता है तो वो क्या बन जाता है, प्रॉमिस। ऑफर दिया, एक्सेप्ट हो गया, क्या बन गया, प्रॉमिस बन गया। क्लियर हो गया, ऑफर कौन दे रहा है, ए, एक्सेप्टेंस कौन दे रहा है, बी, मिलके क्या हो गया, आपका प्रॉमिस हो गया, ठीक है। क्लियर हो गई ये चीज, ओके। अब देखो इन्होंने क्या बताया, रिलेशनशिप बताई है ऑफर और एक्सेप्टेंस के बारे में, लेकिन इस चीज़ के बारे में हम लोग ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ चुके हैं कि एक्चुअली ऑफर क्या होता है, एक्सेप्टेंस क्या होता है, कैसे ऑफर दिया जाता है, एक्सेप्टेंस क्या मतलब, किस चीज़ को हम एक्सेप्टेंस बोलेंगे, ठीक। इन सब चीज़ों के बारे में हम ऑलरेडी क्या कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। एक बार ही फिर भी इन्होंने एक्सप्रेस किया है एक पर्टिकुलर केस में, तो हम लोग उसको देखते हैं, ठीक है। कह रहे एक्सेप्टेंस इज टू ऑफर व्हाट अ लाइटेड मैच इज टू ट्रेन अ गन पाउडर, इज टू ट्रेन ऑफ अ गन पाउडर। द इफेक्ट ऑफ दिस ऑब्जर्वेशन इज दैट व्हाट एक्सेप्टेंस ट्रिगर कैन नॉट बी रिकॉल्ड और अंडन। जब ही एक बार एक्सेप्टेंस दे दी जाती है उसको हम वापस नहीं ले सकते। जैसे
गन में से अगर एक बड़ी गोली निकल जाती है तो वापस तो आती नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर भी वही चीज़ है कि ऑफ़र दिया, ऑफ़र के बाद अगर एक्सेप्टेंस हो गया तो वो एक्सेप्टेंस जो है वो क्या होगा, वापस नहीं आ सकता। मतलब वंस एन एक्सेप्टेंस इज गिवन दैट मीन्स कि अब आप दोनों पार्टीज़ को क्या करना पड़ेगा, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करना ही पड़ेगा। बट देयर इज़ अ चॉइस टू द पर्सन हु हैड द ट्रेन टू रिमूव इट बिफोर द मैच इज अप्लाइड। एक चीज़ है कि अगर मतलब एक्सेप्टेंस हुआ ही नहीं है या एक्सेप्टेंस सामने वाली पार्टी तक पहुँचा ही नहीं है, उससे पहले भी आप उसको रोक सकते हो। It in effect means that offer can be withdrawn just before it is accepted. ठीक है, एक बड़ी ऑफर दे दिया, that does not means कि अब आप बाउंड हो कि नहीं, आप सामने वाले को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। या अगर सामने वाला ने मतलब एक्सेप्टेंस जो है, मतलब प्रॉब्लम यह है कि अगर आपने ऑफर दिया और सामने वाला उसको एक्सेप्ट कर लेगा फिर तो मुश्किल है। लेकिन अगर आपके ऑफर देने से पहले, मतलब आपने ऑफर दिया और सामने वाले ने अपने एक्सेप्टेंस देने से पहले ही आपने अपना ऑफर विड्रॉ कर लिया तो बात वहीं पे ही खत्म हो जाएगी, ठीक है। दिस मीन्स दैट एज सून एज द ट्रेन ऑफ द गन पाउडर इज लाइटेड इट वुड एक्सप्लोर, ठीक है। ट्रेन ऑफ गन पाउडर यहाँ पर क्या है, ये एक ऑफर है, ये क्या है, एक तरीके से एक ऑफर है। बट इट इज़ द लाइटेड मैच, लाइटेड मैच यहाँ पे किस चीज़ का काम कर रहा है, एक्सेप्टेंस का काम कर रहा है, विच कॉजेज द गन पाउडर टू एक्सप्लोर, ठीक है। तो सिंपली इट इज़ दैट व्हेन यू गिविंग एन ऑफर इट कैन बी रिवोक प्रोवाइडेड वो एक्सेप्ट ना हुआ हो। अगर एक्सेप्ट नहीं हुआ होगा तो आप उसको रिवोक कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हमने ऑफर के केस में लीगल रूल्स पढ़े थे, व्हाट आर द वैलिड या व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ द वैलिड ऑफर, वैसे यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ेंगे, एसेंशियल्स ऑफ वैलिड एक्सेप्टेंस, क्या चीज़ जो है वो आपकी वैलिड एक्सेप्टेंस मानी जाएगी, ठीक है। देखो क्या कहते हैं, ये कह रहे एक्सेप्टेंस कैन बी गिवन ओनली बाय द पर्सन टू हुम द ऑफर इज मेड। जैसे अभी हमने प्रीवियस एग्जाम्पल पढ़ा था, एक्स ने ऑफर वाई को दिया तो एक्सेप्टेंस भी वाई से ही आनी चाहिए। अगर एक्सेप्टेंस कोई थर्ड पार्टी दे दे, फॉर एग्जांपल जेड ने एक्स के ऑफर पे एक्सेप्टेंस दे दी, देयर कैन नॉट बी अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑफर किसकी तरफ से गया था, एक्स की तरफ से गया था, और किसको गया था, वाई को गया था, जेड को तो गया नहीं था। तो एनी एक्सेप्टेंस दैट इज गिवन बाय जेड टू वाई टू एक्स इज नॉट एक्सेप्टेबल, ठीक है। हेयर ओनली एक्सेप्टेंस दैट विल बी वैलिड विल बी कमिंग फ्रॉम वाई टू एक्स, ठीक है, क्लियर है। यहाँ इन्होंने केस दिया हुआ है, बहुत बढ़िया केस है, बुल्टन वर्सेस जॉन्स का, ठीक है। इन्होंने क्या बताया, कह रहे एक बुल्टन है, ठीक है, ही बॉट अ बिजनेस फ्रॉम ब्रोकलहर्स्ट। उसने किससे बिजनेस अपना खरीदा है, ब्रोकलहर्स्ट से, ठीक है। जॉन्स हु वॉज ब्रोकलहर्स्ट क्रेडिटर, यहाँ पे जॉन्स क्या था, ब्रोकलहर्स्ट का क्रेडिटर था, placed an order with ब्रोकलहर्स्ट फॉर द सप्लाई ऑफ सर्टन गुड्स। उसने कहा मुझे कुछ गुड्स चाहिए, आपको मुझे प्रोवाइड करने चाहिए। बुल्टन सप्लाइड द गुड्स इवन दो द ऑर्डर वॉज नॉट इन हिज नेम, ऑफर तो उनके ऑर्डर उनके नाम का तो था नहीं, उसने तब भी उसको गुड्स प्रोवाइड कर दिए। जॉन्स रिफ्यूज टू पे बोल्टन फॉर द गुड्स बिकॉज बाय एंटरिंग इन टू कॉन्ट्रैक्ट विद ब्रोकलहर्स्ट ही इंटेंडेड टू सेट ऑफ हिज डेट अगेन ब्रोकलहर्स्ट, कि भैया मैं आपसे सामान इसलिए खरीद रहा हूँ ताकि जो पैसे मैंने आपको ऑफर करे हुए हैं उस पैसे को मैं सेट ऑफ कर सकूँ, ठीक है। जो अमाउंट मैंने आपको दे के रखा हुआ है आप वो वापस तो कर नहीं पा रहे हैं, तो उसके बदले में मैं आपसे गुड्स ले सकूँ, मैं आपसे इसलिए गुड्स ले रहा था। हेल एज द ऑफर वॉज नॉट मेड टू बुल्टन, बुल्टन को तो ऑफर हुआ नहीं था, देयरफॉर देयर वॉज नो कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन बुल्टन एंड जॉन्स। यहाँ पे जॉन्स किससे विलिंग था लेने के लिए, ब्रोकलहर्स्ट से, ठीक है। ब्रोकलहर्स्ट और जॉन्स का कॉन्ट्रैक्ट था, यहाँ पे बुल्टन का कोई इन्वॉल्वमेंट इसमें नहीं था, ठीक है। तो एनी थिंग दैट इज डन बाय बुल्टन हियर इज नॉट एक्सेप्टेबल, ओके, क्लियर हो गया, ठीक। तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट इसके बीच में था, जॉन्स और ब्रोकलहर्स्ट के बीच में, एंड नॉट एनी कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन बुल्टन एंड जॉन्स, ओके। आई होप इट इज क्लियर, ओके। नेक्स्ट पॉइंट सेज एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। जैसे ऑफर कैसा था, सर्टेन होना चाहिए, डेफिनेट होना चाहिए, वेग नहीं होना चाहिए, वैसे ही जो एक्सेप्टेंस है वो भी क्या होनी चाहिए, एब्सोल्यूट होनी चाहिए, अनक्वालिफाइड होनी चाहिए, ठीक है। जैसा जो जो ऑफरी ने बोला, जैसे जो जो ऑफरर ने बोला है आप उसको पूरी तरीके से एक्सेप्ट करिए। जैसे अगर ऑफरर ने चार पॉइंट्स लिस्ट करे हैं, 1, 2, 3, 4, एंड अगर आप उसके सिर्फ 1, 2, 3 पॉइंट एक्सेप्ट करते हैं, फोर्थ वाला नहीं करते, तो देयर विल नॉट बी एनी कॉन्ट्रैक्ट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे चार पॉइंट्स लिस्ट किए गए थे, आपको चारों फुलफिल करने थे, आपने नहीं करे, नो कॉन्ट्रैक्ट।
तो एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट, मतलब पूरी तरीके से। अगर उसने चार पॉइंट्स कोट करे हैं तो आप वन भी एक्सेप्ट करिए, टू भी एक्सेप्ट करिए, थ्री भी एक्सेप्ट करिए, फोर भी एक्सेप्ट करिए, देयर शुड बी नो क्वेश्चन कि आप कोई भी एक छोड़ दीजिए, ठीक है। तो एक्सेप्टेंस कैसा होना चाहिए? एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। ऑफर क्वालिफाइड हो सकता है लेकिन एक्सेप्टेंस क्वालिफाइड नहीं, बिकॉज आप तो वो चीज एक्सेप्ट कर रहे हैं जो ऑलरेडी आपको ऑफरर दे चुका है, जो ऑलरेडी ऑफरर ने आपको प्रोवाइड किया है, ठीक है। अनक्वालिफाइड इसलिए होना चाहिए बिकॉज आप उसको कुछ नहीं दे रहे हैं, आप सिर्फ और सिर्फ उसकी कही गई बात पे अग्री कर रहे हैं, जो पॉइंट्स उसने लिस्ट आउट करे हैं आप सिर्फ उन चीजों को समझ रहे हैं। तो यहाँ पे आपका एक्सेप्टेंस अनक्वालिफाइड होना चाहिए, ऑल्दो द ऑफर कैन बी कंडीशनल। क्लियर हो गई ये चीज, ठीक है। देखो एक केस दिया इन्होंने, ए इंक्वायर्स फ्रॉम बी, विल यू परचेज माय कार फॉर 2 लाख। ए ने बी से पूछा क्या तुम मेरी कार जो है वो 2 लाख की खरीदोगे। इफ बी रिप्लाइज, अगर बी बोलता है आई शेल परचेज योर कार फॉर 2 लाख इफ यू बाय माई मोटरसाइकिल फॉर 50,000। अब बी ने देखो क्या किया, कहता है ठीक है तुम मुझे 2 लाख की कार देना चाहते हो दे दो, लेकिन मैं तुम्हारी कार तभी लूंगा जब तुम उसके बदले में मेरी मोटरसाइकिल भी ले लोगे 50,000 की। ये क्या हो गया? क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस। ये क्या है? क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस, बिकॉज यहाँ बी ने क्या कर दिया, एक कंडीशन फॉरवर्ड कर दी ए के सामने कि मैं तुम्हारी मोटरसाइकिल जो हूँ वो तभी, मैं तुम्हारी कार तभी खरीदूंगा जब तुम मेरी मोटरसाइकिल खरीदोगे। तो यहाँ पे मेरा एक्सेप्टेंस क्या है? अनक्वालिफाइड। यहाँ पे मेरा एक्सेप्टेंस कैसा है? क्वालिफाइड। मैंने क्या कर दिया, कंडीशन प्लेस कर दी ऑफरर के सामने कि मैं आपको ऑफर तभी एक्सेप्ट करूंगा जब आप ये करोगे, इट कैन नॉट बी अ वैलिड ऑफर। क्लियर। तो यहाँ पे जो भी चीज है वो सब क्या है? गलत है। होना क्या चाहिए? एक्सेप्टेंस अनक्वालिफाइड विदाउट एनी कंडीशंस। जो भी टर्म्स, जो भी पॉइंट्स ऑफर ने लिस्ट करे हैं, ऑफरर ने लिस्ट करे हैं, आपको वो चीज़ें फुलफिल करनी है, उसके बदले में आप उनको कोई फर्दर ऑफर नहीं दे सकते, ठीक है। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट, जैसे ऑफर कम्युनिकेट होना ज़रूरी है वैसे ही एक्सेप्टेंस का भी कम्युनिकेट होना बहुत ज़रूरी है। अगर एक्सेप्टेंस आपने कम्युनिकेट नहीं करी है तो सामने वाली पार्टी को पता ही कैसे चलेगा कि उसको ऑफर जो है वो मान लिया गया है या नहीं। जैसे अगर मैंने कहा कि मैं ए को लोन देना चाहती हूँ 1 लाख रुपीज़ का, लेकिन मैंने ए को नहीं बताया कि मैं तुम्हें 1 लाख का लोन देना चाहती हूँ, तो ए को कैसे पता चलेगा कि मैं उसको लोन देना चाहती हूँ? नहीं पता चलेगा ना। वैसे ही अगर मैंने ए से कहा ए मैं तुम्हें लोन देना चाहती हूँ 1 लाख रुपीज़ का, और तुम मुझे जो है एक रिटर्न फॉर्म में बता देना कि तुम्हें मेरा ऑफर जो है वो एक्सेप्टेबल है कि नहीं। अब ए ने मन में तो सोच लिया कि हाँ मुझे 1 लाख रुपये चाहिए और हिमांशी मुझे ऑफर कर रही है तो डेफिनेटली मैं उससे वो लूँगा ही लूँगा लोन, ठीक है, लेकिन उसने मुझे बताया नहीं। इन केस अगर मुझे नहीं बताएगा तो मुझे पता चलेगा क्या कि ए ने मेरा ऑफर एक्सेप्ट किया कि नहीं? नहीं, कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो इसीलिए अगर मुझे एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करना है तो इट शैल बी एसेंशियल कि जो मैं ऑफर कर रही हूँ वो मेरी कम्युनिकेट हो रही है, जो मेरी एक्सेप्टेंस है वो भी कम्युनिकेट हो रही है, ठीक है। तो एक्सेप्टेंस का भी कम्युनिकेट होना बहुत ज़रूरी है। देखो इसी बेसिस पे यहाँ पे इन्होंने एक केस लॉ फॉरवर्ड किया है, ब्रॉकडन वर्सेस मेट्रोपॉलिटन रेलवे कंपनी का, ठीक है। लेट्स सी व्हाट द केस लॉ सेज। इट सेज दैट बी अ सप्लायर sent a draft agreement relating to supply of coal to the manager of railway company with a metropolitan railway for his acceptance, ठीक है। B एक supplier था, उसने एक draft agreement बनाया कि मैं coal supply करना चाहता हूँ, और उसने ये draft agreement किसको भेज दिया? To the manager of railway company, ठीक है। मैनेजर रोट द वर्ड अप्रूव, ठीक है, उसको मैनेजर जो था उसको भी वो चीज़ अग्रीड थी, उसने उस पर वर्ड लिखा अप्रूव, और उसने क्या किया अपनी ड्रॉर में डाल दिया, ठीक है। उसके बाद वो भूल गया कि उसको क्या करना है, सप्लायर दैट इज़ बी को उसे वापस करना है। भाई जब वापस नहीं करोगे तो बी को पता कैसे चलेगा कि आपने उसका जो कॉन्ट्रैक्ट है, जो उसको ऑफर है, आपने वो एक्सेप्ट कर लिया है? कोई फ़ायदा हुआ? बी ने अपना ऑफर कंप्लीट कर दिया, उसने आपको दे दिया, उसने आपको बता दिया, आपके पास आ गया, आपने भी उस पर अप्रूव कर दिया, लेकिन जब तक आप बी को बताओगे नहीं कि आपको उसको ऑफर एक्सेप्टेबल है तो कैसे कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करोगे? हेंस देयर वाज नो वैलिड एक्सेप्टेंस। क्लियर, ठीक है, समझ आ गया। अनदर केस लॉ जो किसके बीच में हुआ था, नेले वर्सेस मेरिट के बीच में हुआ था। M offered to sell his land to N for €280. उसने कहा कि मैं N को लैंड दूंगा 280 यूरो में। N replied purporting to accept the offer but enclosed a check of 80 only. उसने कहा ठीक है मैं आपका लैंड खरीद लूंगा, 280 यूरो की बात हुई थी, लेकिन उसने दिया क्या चेक में, सिर्फ $80 यूरो दिए, ठीक है।
ही प्रोमिस टू पे द बैलेंस ऑफ 200 यूरोज बाय मंथली इंस्टॉलमेंट. उसने कहा कि अभी तो देखो है नहीं, अभी 80 यूरो ले लो, बाकी जो 200 यूरो बचे हैं मैं उसको मंथली इंस्टॉलमेंट के फॉर्म में दे दूंगा 50 यूरो ईच. इट वाज हेल्ड दैट एन कुड नॉट इन्फोर्स हिज एक्सेप्टेंस बिकॉज इट वाज एन अनक्वालिफाइड वन. ठीक है, क्लियर है ये चीज़? ठीक है. अब यहाँ पे इन्होंने एक इम्पॉर्टेंट चीज़ लिखी है और ये कह रहा है when the offer is made by intended offeree without the knowledge that the offer has been made to him cannot be deemed as acceptance. यहाँ पे केस वही है हमारा गौरी दत्त वर्सेस लालमन वाला. अगर ऑफर कर रहे हो तो जो ऑफरी है उसको पता होना चाहिए कि आपने उसके लिए कुछ ना कुछ रिजर्व करके रखा है. जब उसको अगर आपके ऑफर के बारे में पता ही नहीं होगा तो वो कुछ क्लेम नहीं कर सकता. सिमिलरली यहाँ पर भी ऐसे ही केस है. ठीक है, अगर हम जो आपने कहा कि आप मुझे एक्सेप्टेंस दीजिएगा, ठीक है, लेकिन उस एक्सेप्टेंस में थोड़ी बहुत वेरिएशन हो गई, थोड़े बहुत डिफरेंसेस आ गए, तो इसका मतलब ये नहीं कि मेरा एक्सेप्टेंस इनफेक्टिव है. अगर मैंने कहा कि आप उसमें क्लियरली लिख के दीजिएगा कि आप मेरे ऑफर को एक्सेप्ट कर रहे हैं, और अगर मैंने उसमें लिख दिया आई एक्सेप्ट योर ऑफर, मतलब अगर मैंने कुछ भी ऐसी लाइन मेंशन कर दी जिससे एकदम क्लियर तो नहीं हो रहा, लेकिन हाँ इट इज़ कि हाँ पढ़ेंगे तो समझ आ ही जाएगा. ठीक है, तो अगर कोई वर्ड्स में वेरिएशंस है, कोई ग्रामेटिकल एरर है, कोई छोटी बहुत टेक्निकलिटी है जो नहीं समझ आई है, तो उसका मतलब ये नहीं कि मेरा एक्सेप्टेंस क्या हो गया है, इनवैलिड या इनफेक्टिव हो गया है. लैंग्वेज बेसिकली कहने का पर्पज़ यही था कि अगर कोई लैंग्वेज में वेरिएशंस है, कोई डिफरेंसेस इन सब्सटेंस है, तो इसकी वजह से मेरा एक्सेप्टेंस इनफेक्टिव माना नहीं जाएगा. ठीक है, अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट नाउ राइजेज इज कि जो मेरा एक्सेप्टेंस है इट मस्ट बी इन द प्रिस्क्राइब्ड मोड. प्रिस्क्राइब्ड मोड मतलब जिस तरीके से ऑफरर ने मांगा है उसी तरीके से होना चाहिए. मैंने अगर ऑफरी को कहा कि सुनो तुम मुझे रिवर्ट बाय मेल करना या तुम मुझे रिवर्ट ऑन टेलीफोन करना, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि सामने वाली पार्टी मुझे उसी तरीके से ही वापस करे. अगर प्रिस्क्राइब मोड में मेरा एक्सेप्टेंस नहीं आया तो ऑफरर हैज़ फुल राइट कि वो उसको रिजेक्ट मान सकता है. क्लियर है ये चीज़? कह रहे वेयर द मोड ऑफ एक्सेप्टेंस इज प्रिस्क्राइब इन द प्रपोजल इट मस्ट बी एक्सेप्टेड इन दैट मैनर. वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, इट मस्ट बी एक्सेप्टेड इन दैट मैनर. बट If the proposer does not insist on the proposal being accepted in any manner prescribed, देखो generally होता क्या है, offerer खुद बता देता है कि मुझे तुम्हें acceptance इस तरीके से देना. In case अगर offerer ने नहीं बताया है कि उसको किस तरीके से जो है proposal का acceptance चाहिए, तो उस केस में acceptor या हम कहें offeree किसी भी तरीके से दे तो वो एक valid acceptance माना जाता है. Clear है? ठीक है, एक example दिया इन्होंने. कह रहे इफ द ऑफरर प्रिस्क्राइब्स द एक्सेप्टेंस थ्रू मैसेंजर, उसने कहा कि तुम मुझे इसका जवाब मैसेंजर के थ्रू ही देना, एंड ऑफरी सेंड्स द एक्सेप्टेंस बाय ईमेल, और उसने किसके थ्रू एक्सेप्टेंस दे दी, ईमेल के थ्रू दे दी. मांगी किसके थ्रू थी, मैसेंजर के थ्रू. किसके थ्रू मांगी थी, मैसेंजर, और मिली किसके थ्रू, ईमेल के थ्रू. देयर इज नो एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑफर बिकॉज यहाँ मोड प्रिस्क्राइब था. यहाँ पे मोड क्या था, प्रिस्क्राइब था, या बता दिया गया था कि आपको एक्सेप्टेंस मुझे मैसेंजर के थ्रू ही देनी है और किसी अदर मोड में नहीं देनी है. पार्टी ने क्या किया, मैसेंजर में ना देकर उसने ईमेल के थ्रू दे दिया, हेंस इट वाज नॉट अ वैलिड एक्सेप्टेंस. क्लियर हो गई ये चीज़? ठीक है, ओके. नेक्स्ट इज टाइम. टाइम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. देखो हमने कहा कि हम एक ऑफर दे रहे हैं, ऑब्वियसली कोई भी पर्सन जो ऑफर दे रहा होगा वुड एक्सेप्ट कि उसकी एक्सेप्टेंस जो है, वुड एक्सपेक्ट कि उसकी एक्सेप्टेंस जो है वो विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम आ जाए. अगर विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम नहीं आती है तो फिर इट विल बी अज्यूम कि आपका ऑफर जो है वो एक्सेप्ट ही नहीं हुआ है. ठीक है, या आप वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं हुए हो. ठीक है, देखो एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन विद इन द स्पेसिफाइड टाइम. देखो इसमें लिखा है ना विद इन द स्पेसिफाइड टाइम लिमिट, एंड इफ नो टाइम इज स्टिपुलेटेड तो विद इन द रीजनेबल टाइम. मैं आपसे पूछ रही हूँ कि क्या आप मेरा लैंड जो है वो 10 लाख का खरीदेंगे, आपने उसका जवाब देने में आप ये समझिए 1 साल लगा दिया, तो क्या मैं आपके 1 साल तक आपके जवाब का इंतजार करूँगी? नहीं. ऑब्वियसली मैं आपसे चाहूँगी कि आप उसका जवाब मुझे 10 दिन में दे दीजिए, 15 दिन में दे दीजिए, मैक्स टू मैक्स 1 महीने में जवाब दे दीजिए कि आप मेरा ऑफर एक्सेप्ट कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं. अगर आप कोई टाइम लिमिटेशन का ध्यान ही नहीं रख रहे, जब मन आया 1 साल बाद याद आया 1 साल बाद आपने एक्सेप्टेंस दी, 2 साल बाद याद आया 2 साल बाद एक्सेप्टेंस दी, तो दैट इज़ नॉट रीजनेबल टाइम. ठीक है,
अगर मैं टाइम स्पेसिफाई कर रही हूँ तब तो उसी टाइम के विदिन आपको मुझे एक्सेप्टेंस देनी है, नहीं दी तो इट विल बी डीम्ड कि आपने एक्सेप्टेंस नहीं दी है मुझे। अगर कोई टाइम स्पेसिफाइड नहीं है तो विद इन रीजनेबल टाइम यू शुड गिव मी द एक्सेप्टेंस। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट इज मियर साइलेंस इज नॉट एक्सेप्टेंस। जैसे अभी हमने पहले ही पढ़ा था कि अगर कोई सामने वाली पार्टी शांत है, चुप है, कुछ नहीं बोल रही है तो दैट डज नॉट मीन्स कि उसने उस चीज़ का क्या कर दिया है, एक्सेप्टेंस दे दिया है। सिर्फ शांत रहने से, सिर्फ चुप रहने से एक्सेप्टेंस नहीं मानी जाती है। क्लियर है ये चीज? तो एक्सेप्टेंस ऑफ एन ऑफर कैन नॉट बी इम्प्लाइड फ्रॉम द साइलेंस ऑफ द ऑफरिंग और इज फेलियर टू आंसर, या वो अगर आंसर दे नहीं पाया है या वो शांत है, इसका मतलब ये नहीं। अब जैसे मैंने कहा मिस्टर ए मैं तुमको 1,00,000 रुपये मैं 1,00,000 का तुम्हें प्लॉट सेल कर रही हूँ, यहाँ पे मिस्टर ए शांत है, मिस्टर ए कुछ बोल ही नहीं रहा है, मिस्टर ए के पास तो 1,00,000 रुपये भी नहीं थे, उसने कोई जवाब ही नहीं दिया कि वो मुझसे 1,00,000 रुपये का प्लॉट खरीदेगा कि नहीं खरीदेगा। दैट डज नॉट मीन्स कि मिस्टर ए ने मेरे ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। नो भाई नो, ऐसे किसी के साइलेंस से हम नहीं मानते हैं कि सामने वाली पार्टी ने मेरे ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया है। नो ठीक है, क्लियर है ये चीज़। वैसे ही यहाँ पे केस लॉ दिया हुआ है फेल्टहाउस वर्सेस बिंडले का। ठीक है, देखो हुआ क्या, कह रहे एफ एक अंकल थे, उन्होंने ऑफर किया अपने टू बाय हिज नेफ्यूज हॉर्स, कितने का, €30 का, सेइंग इफ आई हियर नो मोर अबाउट इट आई शिल कंसिडर द हॉर्स माइन एट €30। बताओ कैसी बात है, कह रहे हैं कि अगर मैंने तुमसे कोई जवाब नहीं सुना, मैं 30 यूरो को खरीदना चाहता हूँ, अगर मुझे तुमसे कोई जवाब नहीं मिला तो मैं मान लूँगा कि ये 30 यूरो में चीज़ मेरी हो गई है। नेफ्यू डिड नॉट रिप्लाई टू एफ, उसने क्या किया, एफ की बात का बिल्कुल भी आंसर नहीं दिया, उसने बिल्कुल भी ये चीज़ नहीं बताई कि हाँ मैं आपके ऑफर को समझ रहा हूँ या मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं बताया। ही टोल्ड हिज ऑक्शनियर्स बी टू कीप द पर्टिकुलर हॉर्स आउट ऑफ सेल ऑफ हिज फार्म स्टॉक एज ही इंटेंडेड टू रिजर्व इट फॉर हिज अंकल। ठीक है, उसने कहा कि भैया इसको अलग कर दो क्योंकि मैं ये अपने अंकल को ऑफर करना चाहता हूँ। बाय मिस्टेक ऑक्शनियर ने क्या कर दिया, हॉर्स को सेल कर दिया, तो एफ ने स्यू कर दिया फॉर कन्वर्जन ऑफ हिज प्रॉपर्टी कि भैया मैंने तो तुमसे कहा था कि मैं तुमसे ये हॉर्स खरीदूंगा, तुमने आगे जो है वो आगे फॉरवर्ड कर दिया। हेल्ड एफ कुड नॉट सक्सीड एज हिज नेफ्यू हैड नॉट कम्युनिकेटेड द एक्सेप्टेंस टू हिम। उसके नेफ्यू ने घोड़ा अलग तो रखवा दिया कि ठीक है मैं अपने अंकल को ऑफर करूंगा, लेकिन उसने बताया नहीं कि एक्चुअली में वो उसको ऑफर करेगा कि नहीं करेगा। तो यहाँ गलती किसकी थी, उसके नेफ्यू की थी और अंकल की भी थी, क्योंकि अंकल ने भी उससे कहा नहीं कि भैया तुम मुझे कम्युनिकेट करोगे तुम एक्चुअली में लेना चाहते हो कि नहीं। अंकल ने बस इतना बोल दिया कि अगर तुम कोई जवाब नहीं दोगे तो आई विल डीम या आई विल अज्यूम कि वो हॉर्स क्या हो गया है, मेरा हो गया। नॉट गुड, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, क्लियर। तो अगर आप शांत हैं तो आपके मियर साइलेंस आपका एक्सेप्टेंस है, ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट इज एक्सेप्टेंस बाय कंडक्ट इम्प्लाइड। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपको जो एक्सेप्टेंस है वो क्या करनी है, आइदर बाय कंडक्ट देनी है या कोई इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस देनी है। ठीक है, अगर आपकी इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस है, ठीक है, आई विल अज्यूम कि यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल अगर आई वुड से कि मैंने आपसे कहा कि अगर आप कोई पर्टिकुलर टास्क करिए तो इससे मैं अज्यूम कर लूँगी कि आप मेरी चीज़ को समझ रहे हैं या फिर नहीं समझ रहे हैं। ठीक है, तो देखो ये क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं सेक्शन 8 ऑफ द एक्ट लेज डाउन दैट परफॉर्मेंस ऑफ द कंडीशन ऑफ प्रपोजल और द एक्सेप्टेंस ऑफ एनी कंसिडरेशन फॉर अ रेसिप्रोकल प्रोमिस विच मे बी ऑफर्ड विद द प्रपोजल कॉन्स्टिट्यूट्स एन एक्सेप्टेंस ऑफ द प्रपोजल। ठीक है, दिस सेक्शन प्रोवाइड्स द एक्सेप्टेंस ऑफ द प्रपोजल बाय कंडक्ट एज अगेंस्ट अदर मोड्स ऑफ एक्सेप्टेंस, कि आप कंडक्ट से बताइए कि आपको वो पर्टिकुलर चीज एक्सेप्टेबल है या फिर नहीं। अब वो कंडक्ट वर्बल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है। ठीक है, therefore when a person performs the act, अगर कोई चीज़ लिस्ट आउट है कि आपको ये काम करना है और सामने वाली पार्टी आपके लिए वो काम कर भी रही है, ठीक है, तो इसका मतलब वो क्या है, आपको acceptance उस चीज़ की provide कर रही है। ठीक है, clear। तो जैसे इन्होंने example दिया हुआ है, इस example में ये लोग क्या बोल रहे हैं, जहाँ एक ट्रेडमैन रिसीव करता है ऑर्डर फ्रॉम अ कस्टमर एंड एग्जीक्यूट्स द ऑर्डर बाय सेंडिंग द गुड्स। ठीक है, द कस्टमर्स ऑर्डर फॉर द गुड कॉन्स्टिट्यूट्स एन ऑफर, क्योंकि कस्टमर ने कहा मैं आपसे गुड लेना चाहता हूँ तो वो जो दे रहा था वो क्या था, एक ऑफर था विच हैज़ बीन एक्सेप्टेड बाय द ट्रेड्समैन। सब्सिक्वेंटली एक्सेप्ट होने के बाद वो उसको गुड्स भेज रहा है क्योंकि भाई ऑफर था, ऑफर को उसने एक्सेप्ट किया, उसने गुड्स भेजे। इट इज़ अ केस ऑफ एक्सेप्टेंस बाय कंडक्ट, इसका मतलब वो चीज़ जो है बाय कंडक्ट यहाँ पे एक्सेप्ट कर ली गई है।
ओके आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीबडी, वेरी क्लियर टू एवरीबडी. तो आज हमने बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे टॉपिक्स डिस्कस करे हैं, ठीक है. किसके किसके बारे में डिस्कस किया हम लोगों ने? हम लोगों ने काइंड्स ऑफ ऑफर के बारे में डिस्कस किया है. हमारे काइंड्स ऑफ ऑफर जो थे वो हम लोग ने 5 तरीके के पढ़े थे. भाई जनरल ऑफर पढ़ा था, हम लोग ने स्पेसिफिक ऑफर पढ़ा था, क्रॉस ऑफर पढ़ा था, काउंटर ऑफर पढ़ा था, ओपन स्टैंडिंग ऑफर पढ़ा, फिर हमने बाद में एक्सप्रेस ऑफर और इम्प्लाइड ऑफर भी पढ़ा. हमने वैलिड्स ऑफ असेंशियल ऑफर पढ़े, ठीक है. किन चीज़ों को हम ऑफर मानते हैं, किन चीज़ों को ऑफर नहीं मानते. जैसे अगर हम कोई मियर इनविटेशन टू द ऑफर देते हैं तो वो हमारे लिए ऑफर नहीं है. अगर हम लोग कोई इक्विटी अगर हम लोग कोई प्रोस्पेक्टस प्रेजेंट करते हैं, कोई एडवर्टीजमेंट देते हैं, कोई क्वेश्चन आंसर पूछते हैं वो, या कोई इंटेंशन एक्सप्रेस करते हैं तो वो मेरा ऑफर नहीं है. इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ा. फिर हमने एक्सेप्टेंस के बारे में पढ़ा कि भैया ऑफ़र के बदले में जो काम किया जाता है उसे हम लोग एक्सेप्टेंस कहते हैं. एक्सेप्टेंस आपके वर्ड से भी हो सकती है, एक्सेप्टेंस आपके कंडक्ट से भी हो सकती है. इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ा. देन हमने पढ़ा असेंशियल्स आपके वैलिड एक्सेप्टेंस के. जैसे ऑफर के असेंशियल्स पढ़े थे वैसे हम लोग ने यहाँ पे क्या करे हैं, एक्सेप्टेंस के वैलिड असेंशियल्स को पढ़ा है, ठीक है. आई होप ये सब चीज़ें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई हूँ. अब हम अपनी नेक्स्ट क्लास में कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस प्लस कब हम अपने ऑफर को रिवोक कर सकते हैं या कब हम अपनी एक्सेप्टेंस को रिवोक कर सकते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे. हमारे अभी सिर्फ 2 टॉपिक्स बचे हैं, दैट इज़ कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस एंड रिवोकेशन, जिसको हम अपनी नेक्स्ट क्लास में फर्दर कंटिन्यू करेंगे. ओके, आई होप यू ऑल एंजॉयड द क्लास. सो बाय स्टूडेंट्स, एंजॉय.